सागर जिले की देवरी पुलिस ने अवैध शराब विक्रय के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। देवरी पुलिस ने एक शासकीय कार्यालय के पीछे से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां जब्त की हैं। पुलिस अनुविभागीय अंतर्गत शराब माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने कार्रवाई की जा रही है, जिसमें देवरी पुलिस द्वारा दो दिनों में की गई कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से विक्रय हेतु रखी शराब की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खंडेराव वार्ड मुआर रोड निवासी तन्नू रेखवार के नए मकान के पास ग्राम शीर में शासकीय कार्यालय PHE विभाग के पीछे रखी 103 पेटी देसी शराब जब्त कर मामले में दो आरोपी तरवर और फिर तनु रेखवार एवं उसके पुत्र गगन रेखवार को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जीवनी नगर में पिछले कुछ दिनों से छुटपुट शराब बिकने की खबर आ रही थी, इसके लिए पुलिस प्रशासन, राजस्व, नगर पालिका सभी लोग मिलजुल के लगे हुए थे और हमारी मुखबिरी की मुखबिर तंत्र वो भी लगा हुआ था। इसी संबंध में आज हमको सूचना मिली थी कि जो यहाँ देवरी शहर का कुख्यात शराब तस्कर है तरवर रेखवार, उसने अपने घर के पीछे नगर पालिका का जहाँ पंप हाउस बना हुआ है उसकी आड़ में, उसकी बाउंड्री की आड़ में उनने अवैध रूप से शराब का संग्रहण कर रखा है और वो वहाँ से दीगर लोगों को बेचने के लिए दे रहा है। देवरी थाना क्षेत्र में इस प्रकार के और भी कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, जिसमें छोटी मोटी कार्रवाई कर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बड़ी शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई होने से क्यों अंकुश लग जाता है, यह शोचनीय पहलू है। कोरोना संक्रमण को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन पूरे जिले में घोषित किया गया है और सभी शराब दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं और जिले की सभी सीमाएं सील बंद कर पुलिस की निगरानी की जा रही है। फिर सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी तादाद में शराब परिवहन कहाँ से और कैसे हो रहा था और अवैध शराब के कारोबार का संचालन करने वाला वह कौन सा माफिया है जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से कतराती है। HN न्यूज के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट।